मेरे पास तीन शेयर है, एक बार इसको पहले काउंट कर लीजिए, और एक है RVNL 1000 शेयर है 152 का रेट पे, और एक जो है इरकॉन इरकॉन इंटरनेशनल जो 150 का रेट पे 162 का रेट पे 150 शेयर है जो मेरा जो ये है सर। आपने सर मैम अच्छा RVNL RFC ठीक है ओके okay. आप मुझे बताइए कि आपका टारगेट कब तक रखने का इन स्टॉक्स को। मेरा जो आईडी ये है सर मैं कम से कम मैम मेरे को 10 से 15 ईयर तक रख सकता हूँ। 10 से 15 ईयर्स तक ओके सर 10 से 15 साल तक का नजरिया IRFC RVNL कौन में रख रहे हैं सर क्या रहेगी राय आपकी। नहीं बिल्कुल देखिए इनका लॉन्ग टर्म का नजरिया तो बहुत ही बढ़िया है क्योंकि 10-15 साल तो बहुत लंबा पीरियड होता है। रही बात इरकॉन की और RVNL की तो मुझे लग रहा है कि ये दोनों स्टॉक्स में आपको निवेशित रहना चाहिए। देखिए जिस प्रकार की ऑर्डर बुक RVNL के पास है और जिस प्रकार से रेलवे थीम चल रहा है तो RVNL में अच्छी तेजी आपको देखने को मिलेगी। इरकॉन ने भी मुझे लग रहा है अभी हाल ही में एक OFS किया था बहुत अच्छा रिस्पॉन्स इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर से आया तो इरकॉन में भी पोजीशन अगर आप 150 साल का नजरिया लेते हो तो इसमें अच्छी खासी कमाई होगी। और तीसरा शेयर स्वाति कौन सा बोला था इन्होंने शुरुआत में IRFC सर। IRFC में मेरे ख्याल से देखिए बहुत ही यूनिकली पोजीशन है। आज तो स्टॉक 10% ऊपर था और मुझे लग रहा है कि आने वाला जो रेलवे बजट होगा इसमें काफी अच्छी तरह से बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। देखिए IRFC का सबसे बड़ा और सिंगल कस्टमर इंडियन रेलवेज है क्योंकि ये करीबन 30-40% जो कैपेक्स रिक्वायरमेंट्स है वो IRFC फंड करता है। तो ₹50 की खरीद है मेरे ख्याल से यहाँ पे भी कोई जल्दबाजी न करे बेचने के लिए करीबन 110-115 का एक नियर टर्म का टारगेट बन सकता है तो यहाँ पे निवेशित रहिए।